नर्मदा में आस्था के साथ नर्मदा को स्वच्छ रखने की जागरूकता है। इसी उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जबलपुर में नर्मदा के तट ग्वारी घाट पर जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों ने सफाई अभियान चलाया। नर्मदा को संरक्षित करने के लिए शपथ ली। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर रेलवे की पीएसी कमेटी के सदस्य और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे नर्मदा के घाट पर उन्होंने साफ सफाई की है। साथ ही साथ खुद भी घाटों के किनारे पड़ा कूड़ा कचरा उठाया और नर्मदा के तट पर पौधे भी लगाए। नर्मदा तट की सफाई करने पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का कहना था कि आज दुनिया में लगातार पेड़ पौधे और जंगल साफ हो रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में पर्यावरण बिगड़ रहा है। इसकी आज जरूरत है कि नदियों से लेकर जलाशयों के किनारे पेड़ पौधे लगाएं। इसी के साथ अभिलाष पांडे ने नर्मदा को साफ व स्वच्छ रखने के लिए लोगों में जागरूकता लाने पर जोर देते हुए जनता से अपील की है कि नर्मदा के जल में कचरा ना डालें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी उद्देश्य से आज नर्मदा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आम नागरिकों का भी सहयोग मिला। जी भैया, आज विश्व पर्यावरण दिवस, आज विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर है। हम सब लोग पर्यावरण के संरक्षण और मां नर्मदा की स्वच्छता को लेकर हम सारे लोगों ने आज घाट की सफाई की है। घाट की सफाई करने का ये संदेश है कि मां नर्मदा जो अविरल बहने वाली जीवनदायिनी मां नर्मदा है, उसे स्वच्छ बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ नर्मदा देकर जाएं। साथ ही वृक्षारोपण के माध्यम से हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करें और अपने जीवन की सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। इसी पावन पुनीत उद्देश्य को लेकर हम सब लोगों ने आज नर्मदा माई के घाट की सफाई की है और इसके बाद हम जाकर वृक्षारोपण करेंगे और प्रकृति संरक्षण का जो हमने संकल्प लिया है, नर्मदा स्वच्छता का जो संकल्प लिया है, ये इस आम नागरिकों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब भी जबलपुर संस्कारधानी को स्वच्छ बनाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए और संस्कारधानी हमारी सुंदर दिखे, इस दृष्टि में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। इसी उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित।